तो आज आपको बताएंगे कैसे सब का सब चीज़ को आप बचा पाएंगे। मेरे को 100% ये सफलता मिला है, मेरे को एक बच्चा भी वो उससे एक्सपायर नहीं हुआ। तो आपको दिखा देते हैं कौन सा कितना बड़ा मटकी देते हैं। जो फादर मदर है वो भी सही से फीड भी करा पाता है, तो 100% सारा चिक्स बढ़ जाएगा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी है। आज आपको बताएंगे ये जो बजीज पैरेट है ये 6 7 8 अंदर तो ले कर देता है, उनमें से 4 5 चिक्स निकलता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो चिक्स एक्सपायर हो जाता है। तो आज आपको बताएंगे कैसे सब का सब चीज़ को आप बचा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आगे। मैंने जो किया मेरा को 100% ये सफलता मिला है। ये जो मटकिया है ये छोटा मटकी है, तीन में से जो रहता है बड़ी चिक निकलता है, 6 7 चिक निकल जाता है। वो क्या होता है पैरों के नीचे आ जाता है, जो बड़ा बड़ा चिक रहता है वो पैरों के नीचे आ जाता है। और जो मेल या फीमेल बाजी रहता है वो सही से फीड नहीं करा पाता, इसलिए वो अंडा मतलब वो चिक्स मर जाता है, छोटा वाला चिक्स। तो मैंने क्या करता हूँ, ये जो छोटा मटकी है यहाँ पर तो अंडा जब निकलता है इससे, तो मैंने ये सबको बड़ा मटकी में शिफ्ट कर देते हैं। ये छोटा मटकी खोल के जगह वही रहता है जहाँ पे छोटा मटकी लगा रहता है वही रहता है, लेकिन मटकी दे देता है बड़ा, ताकि ये जो रहता है जो थोड़ा सा स्पेस मिले इनको, इनका मेल फीमेल जो है वो सही से फिट करा पाए और थोड़ा सा स्पेस मिले, इसीलिए मैं बड़ा मटकी दे देते हैं। दिखा देते हैं आपको कौन सा मटकी दे देते हैं आगे। तो मेरे को 3 4 बार ऐसा किया तो मेरे को एक बच्चा भी वो उससे एक्सपायर नहीं हुआ। तो आपको दिखा देते कौन सा इतना बड़ा मटकी देते हैं। देखिए मैं इतना बड़ा मटकी दे देता है, ये कॉकटेल का मटकी है बेसिकली, तो कॉकटेल का मटकी मैं प्रोवाइड कर देते हैं। जब सारा चीज़ निकल जाता है उसके बाद मैं कॉकटेल का मटकी प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाता है और ये जो इनका जो फादर मदर है वो भी सही से फीड भी करा पाता है। तो चारों का चारों चीज जो निकल, ये पाँचों का चीज जो निकल के आया है ये सारा का सारा मतलब एक्सपायर नहीं हुआ एक भी। पहले 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 ये 2 3 चीज मेरे को एक्सपायर हो जाता था। फीड तो है, खाना तो है, विटामिन जो भी है वो तो है, लेकिन इनको थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होता है। सारा चीज निकल जाने के बाद ये जो मटकिया है वो चेंज कर दीजिए। सब चीज निकल जाने के बाद ये मटकी चेंज कर दीजिए, बड़ा मटकी दे दीजिए, या फिर पहले से आप बड़ा मटकी दे सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। एक भी चिक्स मेरा एक्सपायर नहीं हुआ, आप भी ऐसा कीजिए। हाँ बड़ा मटकी दीजिए, छोटा मटकी में पैरों के नीचे आ जाता है, सही से फीड नहीं हो पाता है। तो आप बड़ा मटकी दीजिए, जब चिक्स निकल के आएगा आप बड़ा मटकी दीजिए, आपका सारा चिक्स बच जाएगा, एकदम 100% सारा चिक्स बच जाएगा, एक भी एक्सपायर नहीं होगा। मैं भी ऐसा किया, 3 4 बार तो किया, सारा चिक्स मेरा एक भी चिक्स एक्सपायर नहीं हुआ। आप भी कीजिए, आपको भी एक भी बजीज पैरेट का चिक्स एक्सपायर नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नया वीडियो में, नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आपका पैरेट्स का भी ख्याल रखें।